आइए, प्लीज कम, प्लीज सिट डाउन। प्लीज टेल अस फर्स्ट ऑफ ऑल योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सर आई हैव डन बीकॉम। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर एज जनरल नॉट फेवरेट सब्जेक्ट, ऑल यू कैन आस्क फ्रॉम एनी। आपने कल रात कौन सा पढ़ा ये बता दीजिए। चलिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड सब्जेक्ट। अच्छा ये बताइए, जो सिटीजनशिप मिलती है वो क्या कंपनी को भी मिल सकती है? सर ओनली टू इंडिविजुअल्स, टू नेचुरल सिटीजंस ओनली। ओनली टू द नेचुरल पर्संस। और सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने मोड होते हैं? हाउ मेनी मोड्स? सर देयर आर 5 मोड्स टू एक्वायर सिटीजनशिप। अंडर व्हिच एक्ट दीज मोड्स आर मेंशनड? अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। कि कौन-कौन से मोड हैं? सर नेचुरलाइजेशन, गुड, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट्स आई थिंक, बाय रजिस्ट्रेशन। चलिए गुड। और जब हम टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं जी, बाय टेरिटरी। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है जी, और 36 में भी स्टेट को डिफाइन किया गया जी, जी सर। क्यों? सर जो आर्टिकल 12 में डिफाइन करा गया है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग स्टेट को डिफाइन करा गया है। जब हम स्टेट को रेस्पॉन्सिबल, मतलब स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द स्टेट बेसिकली, फॉर अगेंस्ट द स्टेट्स हम 12 में देखते हैं। इन आर्टिकल 36 फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ, मतलब फॉर द DPSP। गुड। अच्छा ये बताइए रिट कितने तरीके की होती है? देयर आर 5 काइंड्स। बताइए कौन कौन सी? सर हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, सर्शररी एंड प्रोहिबिशन। वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू द रिट पिटीशंस और देयर इज एनी एक्सेप्शन? सर देयर इज एक्सेप्शन ऑफ हैबियस कॉर्पस। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर? सर देयर इज, अकॉर्डिंग टू मी सर, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज गवर्नर कैन नॉट पार्डन द पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस। एंड वन अनदर डिफरेंस? यस, अ कोर्ट मार्शल। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पूछिए सर। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट? सर देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट। देयर शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, taken out of possession of some possession of somebody, and there should be movement of that property, and without his consent, and with dishonest intention. अच्छा ये जो article 21 है ये क्या कहता है? So article 21 talks right to life and personal liberty. Okay, is right to die a fundamental right under article 21? Sir, no right to die is not a fundamental right. What section 309 IPC talks about? 309, sir, attempt to suicide. And what is the concept of interim maintenance under section 125 CRPC? So interim maintenance 125. Sir, during the proceedings, interim maintenance is so for the court, for the expenses of the court. Okay. What are the essential elements of a valid contract? Sir, the there should be free consent of the parties. Sir, according to Section 10 of Indian Contract Act, there should be competent parties and free consent of all the parties. There should be lawful consideration, lawful contract, and that should not be forbidden by law. Good. And who is competent to contract? So a person of sound mind and a major, and also who is not disqualified by any court of law. And can minor be a partner? So minor cannot partner, sir, only for the benefits of the partner. For and one last question to you, what is free consent? Free consent means sir, consensus at Adam 13. When what is free consent? Consent panch baatein kuch hain usme shayad. A consent is said to be free if it is not caused by sir, fraud, fraud, coercion, undue influence, misrepresentation, and
and mistake. Directive principles of state policy are not enforceable in court of law. And there are how many fundamental duties in our constitution? So there are 11 fundamental duties. Thank you. What number is this? So this is 045616. Outdoor games, kya hote hain? So this. Koi example? Like I have given in my hobby, I like to play badminton. So outdoor game, badminton also? Sir. Outdoor game is it can also be indoor. Okay. Fast track court क्या होता है? Women के against जो भी offences होते हैं, I guess. आप मुझे बताइएगा कि without warrant police officer कहाँ कहाँ गिरफ्तार कर सकते हैं? केवल section के नाम बताने. 151. मान लीजिएगा किसी को भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, तो क्या-क्या essential qualification होनी चाहिए? Sir, he should be a citizen of India. Must have completed the age of 35 years and he should be qualified to be a member of Rajya Sabha. Very good. मुझे बस ये बताइएगा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कौन सा संविधान संशोधन है? Sir, 16 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस अमेंडमेंट को कहते हैं? Sir, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये कब आया था? Sir, 1976. PIL क्या होता है? So public interest litigation hota hai for the is a kind of litigation who can be filed by any person for a individual or for a class of individuals who are economically or backward or socially backward for their rights to be protected. ये बताइए कि अगर हम CRPC की धारा 125 को देखते हैं, the generalist talks about the concept of the maintenance. अब सवाल ये कि जब मेंटेनेंस की कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आती है तो एक पक्ष तो आपसे मेंटेनेंस की क्लेम करता है, दूसरा पक्ष अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि भाई मैं इनको क्यों दूँ, उस दौरान आप किन किन पहलुओं के ऊपर गौर करेंगी? अगर मैं आपसे ये पूछूँ व्हाट आर द एसेंस ऑफ द मेंटेनेंस, कैसे आप बताएंगे इसको? सर, पहले दोनों पार्टीज़ के हम उनके पास सफिशिएंट मींस हैं या नहीं एक अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए, उस चीज़ को देखेंगे और जो वो जो रीजंस वो दे रहे हैं ना मेंटेन करने के, मान लो अगर किसी ने मेंटेनेंस चाहा अगला दूसरा बंदा मना करता है, तो जो ग्राउंड्स जो उनके जो ग्राउंड्स होंगे वो रीज़नेबल हैं या नहीं, उन चीज़ों को देखा जाएगा सर, और दोनों की इकोनॉमिकल कंडीशन. ठीक है, ये बताइए कि अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करना हो, क्योंकि प्रक्रिया तो थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो आपके पास सीआरपीसी कितने दिन का वक्त देता है? सर एज पर सर 1 month आई गेस. ये बताइए कि समन्स का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी में कहाँ पर बताया गया है और ये क्या कहता है? सेक्शन 16. चलिए बताइए कहता क्या है ये समन? एक कोर्ट का ऑर्डर है फॉर द प्रेजेंट टू प्रेजेंट अ पर्सन टू बी प्रेजेंट टू अ पर्सन टू बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट और टू कॉल फॉर अ डॉक्यूमेंट और इट शुड बी इन डुप्लीकेट और सर उस पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए यूज होता है. चलिए ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन को हटा दें तो वो कौन से 3 डायरेक्ट मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डील करता है? सर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सर आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग जो स्टेट और जो यूनियन के बीच में जो भी मैटर डिस्प्यूट होते हैं वो जो बिटवीन टू स्टेट्स के होते हैं एंड यस सर एंड वन स्टेट इन वन साइड एंड टू स्टेट्स. ठीक है, वैसे तो परंपरा ये है कि बेलेबल ऑफेंस में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, जज उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, तो आखिर वो आधार क्या है और उस परिस्थिति में वो व्यक्ति मैक्सिमम कितने दिन जेल में रहेगा? सॉरी सर, क्वेश्चन. एक व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा अपराध किया जो कि जमानतीय है, जमानतीय अपराध में अमूमन थाने से बेल मिल जाती है, उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत भी नहीं होती है,
लेकिन फिर भी कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं कि मजबूरन पुलिस और मजिस्ट्रेट चाह कर भी उसको रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा ही जाता है, फिर भी वो इंतज़ार करता है कि अब आ जाएगा, फिर भी नहीं होता है? सर एब्सकॉन, ठीक है सर। आप ये बताइए ज़रा कि वेदर ए पर्सन कैन स्टील देयर ऑन प्रॉपर्टी? यस सर। व्हाई? सर इफ इट इज़ इन पोजेशन ऑफ समबडी एल्स एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट, इफ एनी प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ समबडी एंड देयर इज़ नो, मतलब सॉरी सर, ओनरशिप की बात नहीं है वहाँ पर, पोजेशन की बात होती है। थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट दी पोजेशन। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो मामले में अक्यूज्ड नहीं है, स्टेट ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा चलाया, आप उसमें मतलब नहीं है आपका कुछ, आप अक्यूज नहीं है, आप आते हैं एविडेंस देने के लिए और आपने एविडेंस में आपका नाम ले लिया कि साहब वो भी थे, तो क्या आपको समन किया जा सकता है? यस सर। बस एक फाइनली सवाल, आपके सारे सवाल बहुत अच्छे हैं विदाउट, और मैं समझता हूँ कि आप इसका जवाब बहुत अच्छा ही देंगी, ठीक है, और आपने लिख भी रखा है, बट मुझे दो तीन रीजन्स चाहिए। आप जज क्यों बनना चाहती हैं? एक तो जैसा कि मैंने लिखा एज अ लॉ स्टूडेंट जी, सर सबसे सर जो मेन, इसके बाद जो मेन आता है वो मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एक जज बनूं। इसे थर्डली एक सर मैं फैसिनेटेड हूँ इस जॉब को लेके, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरे को कोर्ट जाने का मौका मिला और मैंने देखा मुझे अच्छा लगा सर, मैं इसलिए ऐसे तो सर, और सर जॉब और ठीक हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। देखिए साक्षी, मैं तीन चीज़ बताऊंगा। द मोमेंट आप इंटर हुई, आपकी आंखों में मुझे वो आंसू अभी भी छलक रहे हैं, मतलब मौका मिले दहाड़ मारते हैं। आपके ये पोजिशन जो पूरा आपका रेड हो चुका है, मुझे नहीं पता कि क्यों रेड हो गया, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा ठीक है, बट आपकी आंखों में आंसू नजर आए, मतलब आपको कोई चाहिए कि हाथ पकड़ के रो सके। अगर कोई व्यक्ति भी इनके शरीर को टच करेगा तो पूरा आपका शरीर शायद 70 डिग्री रास्ता ठंडा होगा। लेकिन जो ओवरऑल बातचीत हुई है ना, देखिए यहाँ पे कोई आपको प्रिविलेज किसी ने नहीं दिया है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ क्लियर है और अगर आपका कॉन्फिडेंस है, तो एट द एज ऑफ शायद 98 आपका है, 25 साल के आप हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री। अभी आपको डिसाइड करना है 5 दिन के अंदर कि आपको इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराना है या लोगों के लिए मिसाल बनना है। सिर्फ दो चीज़ें, आवाज़ में क्लैरिटी, आँखों में जो वो पानी तैर उसको हटाइए, और कॉन्फिडेंट, बस। इंटरव्यू से हम लोग नॉलेज भाई तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं। आंसर जब आप कह रहे हैं तो आंसर वेरी गुड, परंतु क्या है कि आंसर दो पार्ट में जा रहे हैं, शुरू के कुछ वर्ड्स हाई पिच में जा रहे हैं और वही आंसर के लास्ट वर्ड बिल्कुल लो, जो आपके लो कॉन्फिडेंस हो। रिविजन नहीं, कर लूंगी रिविजन अलग टोन में था, कर लूंगी अलग था, बस ये फर्क है पूरे इंटरव्यू में, बाकी और कुछ है नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वॉइस लो की थी, हेजिटेट, और वो हम सब नोटिस ही कर रहे थे कि आपका क्या हाल हो रहा था, उस पर काम आपको प्रैक्टिस से आएगा। रिविजन कर लूंगी, जरा बोल के दिखाई अच्छे से, रिविजन कर लूंगी, बस ये मैंने यहाँ लिखा है।